तो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जनरली बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स एंड चतुर्भुज के विषय में। तो चलिए, एक चतुर्भुज क्या होता है और उससे जुड़ी पूरी जानकारी चलिए देखते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। तो चार सरल रेखाओं से घिरी एक बंदाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज की चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों एक चतुर्भुज के चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो कुल मिलाकर के 6 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार से और जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक वर्ग की सभी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होता है। अब बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो इसके आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण इसके भी समकोण होते हैं। तो जहां तक बात की जाए स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस की, तो याद रखें एक स्क्वायर के सभी चारों भुजाएं बराबर होगी, जबकि एक रेक्टेंगुलर की आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है और इन दोनों के सभी एंगल 90 डिग्री के बने होते हैं। तो अब बात करेंगे रोम्बस की, जिसकी सभी चारों भुजाएं समान होती है और इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबसम विभाजित करते हैं। तो हमने रोम्बस का प्रयोग किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जहां हमने रोम्बस की मदद से इलिप्स बनाया था। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की सम्मुख भुजाएं के साथ साथ सम्मुख कोण भी बराबर होता। तो हमने जाना रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में, अब बात करेंगे ट्रेपेजियम। इसमें सम्मुख भुजाओं के कम से कम एक युग्म जो है वो आपस में समांतर होते हैं। तो दोस्तों हमने जाना ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं काइट्स के बारे में। जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है कि पतंग का आकृति का होता है। तो इसके आसन भुजाओं के दो युग्मों की लंबाई बराबर होती है और दो समान भुजाओं के जो बीच का युग्म होता है उसके बीच जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है। साथ ही साथ इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने जाना साइड्स और एंगल के अकॉर्डिंग कुछ मेन क्वाड्रिलेटरल्स के विषय में। तो अब जानेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए जानते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है और इसके विकर्ण पूरी तरह से इन चतुर्भुजों के अंदर समाहित होते हैं। तो एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का कोई आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल की। इसमें एक 100 प्रतिच्छेदन पक्ष होता है, इसके आंतरिक कोणों का योग 720 डिग्री होता है। तो एक्चुअली ट्रेपेजॉइड को ही उत्तरी अमेरिका के बाहर ट्रेपेजियम के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे पाया चतुर्भुज के विषय में। तो दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो में हमने एक जानकारी हासिल किया क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के विषय में। हमारी अपकमिंग वीडियो में हम और भी कई सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल। जल्द मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।